आप सभी का स्वागत है। अब कुछ मिनट मैं आपके सामने कृष्ण मूर्ति की ऊंची ऊंची बातें परोसूंगा, समझाने का प्रयास भी करूंगा, मगर चर्चा में आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको वो मिलेगा जो आपको जानना और समझना चाहिए। उससे पहले कुछ सवाल। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बताइए, शिक्षा आपके लिए है या आप शिक्षा व्यवस्था के लिए रॉ मटेरियल हैं? ध्यान से इस पर विचार करना। अगर आप एक नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं तो आप ध्यान से अपनी जिंदगी को देखो, ईमानदारी से, क्या नौकरी आपके लिए है या आप नौकरी के लिए कठपुतली बन गए हैं? आप यदि कोई धंधा करते हैं, व्यापारी हैं, तो देखिए क्या वो व्यापार आपके लिए है या आप व्यापार के लिए साधन बन गए हैं ताकि व्यापार चलता रहे और आपके जीवन में दुख है, अशांति है, आप बेचैन है या नहीं, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टटोलिए इसको। अगर आप एक गृहिणी महिला हैं तो देखिए ध्यान से अपनी जिंदगी को, घर का कामकाज आपके लिए है या आप उस घर के कामकाज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं? इसी बात को कृष्णमूर्ति कहते हैं, समाज और व्यक्ति में से कौन किसके लिए है, इसी बात को मैंने आपसे पूछा। डीएनए आपके लिए है या आप इसलिए हैं कि डीएनए आगे बढ़ता रहे? शरीर आपके लिए है या आप हमेशा परेशान रहते हैं ताकि शरीर चलता रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। यही से यह तय हो जाता है कि आप जिंदा हैं या मुर्दा, आप इंसान हैं या मशीन, आप जी रहे हैं कि बस कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, आपका उपयोग हो रहा है, सब यहीं से तय हो जाता है। अब चूंकि मनुष्य मशीन नहीं है, मगर मशीन की भांति उसका उपयोग हो रहा है, कठपुतली की भांति उसका उपयोग हो रहा है, मगर वो न मशीन है न कठपुतली है और इसीलिए वो अपने जीवन में दुखी है, परेशान है, अपूर्ण है, वो बेचैन है। और वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य आप हैं। तो देखिए कि जहां आप अपना समय दे रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हो, काम धंधा हो, शिक्षा हो या कुछ और, चाहे नौकरी, देखिए कि जहां आप समय दे रहे हैं वो आपके लिए है या आप उसके लिए साधन वस्तु बन गए हैं। अब कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं वह सुनिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अधिकांश व्यक्तियों के सामने, शब्दों पर ध्यान दीजिए और उस शब्द से क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या महत्व है उसको समझिए। जब कह रहा हूं अधिकांश व्यक्तियों के सामने यह समस्या है तो वह व्यक्ति कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, मैं हूं, आप हैं, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी आसमानी काल्पनिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो अधिकांश व्यक्तियों के सामने यह समस्या है क्या, कि व्यक्ति समाज का साधन मात्र है या वह उसका साध्य है? इसका अर्थ क्या हुआ? वे पूछ रहे हैं कि क्या व्यक्ति समाज का साधन है, मतलब क्या व्यक्ति इसलिए है कि समाज चलता रहे या वह समाज का साध्य है? क्या व्यक्ति इसलिए है कि समाज चलता रहे या समाज इसलिए है
कि एक सुंदर फूल की तरह व्यक्ति खिले, कौन किसके लिए है। फिर वे सवाल आगे और पूछते हैं, क्या आप और मैं व्यक्तियों के रूप में ये जो समाज है, इस समाज व सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए हैं? क्या इस समाज और सरकारों के द्वारा निर्देशित, शिक्षित व नियंत्रित किए जाने तथा किसी सांचे में ढाले जाने के लिए हैं? अथवा स्वयं समाज या राज्य का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए है? वे पूछ रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं, ये जो धर्म है, संगठन है, संप्रदाय है, जातियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, क्या आप इसलिए हो कि ये सब लोग, ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था आपका इस्तेमाल करें, या ये सब व्यक्ति के उपयोग के लिए है? जैसे मोटरसाइकिल है या कार है, ठीक, अब वो कार आपके लिए है या आप उसके लिए हैं? आपको कहीं पहुंचना है, ठीक, तो कार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, न कि कार आपका इस्तेमाल कर रही है कि चल भाई आज तो प्यास लगी है, चल पेट्रोल डलवा के लाना है मुझमें, चल पैसे रख और लेके चल मुझे पेट्रोल पंप। हालांकि ये भी हो सकता है फिलोसोफी, मगर अभी उसको एक तरफ रखो। आप कार का उपयोग करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, मगर समाज को, धर्म, संगठन, व्यवस्था, जो कुछ भी है, इसको देखो, अभी अभी इसी क्षण अपने जीवन में देखो, अपने काम धंधों, नौकरी को देखो, व्यवसाय को देखो, अपने घर परिवार को देखो, ये सब कुछ आपके लिए है, आपके लिए है, या ये सब मिलकर के आपका उपयोग कर रहे हैं? अभी क्या चल रहा है वो देखो, क्योंकि वहीं से फिर आप उसके पीछे जा पाएंगे कि ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है। यूं ही नहीं दोहराने लग जाना है, अरे इंसान तो सामाजिक प्राणी है भाई, ऐसे नहीं दोहराना है। ध्यान दो, देखो, अपने जीवन में देखो, पूरे समाज को देखो, देश को देखो, क्या हो रहा है। अगर इन बातों को नहीं समझोगे कि आप समाज के लिए हो या समाज आपके लिए है, तो आपका कठपुतली की तरह उपयोग हो जाएगा, आप पूरी तरह लूट चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लूटने वाला कौन था। इसी को तो बेहोशी कहते हैं। अपनी जो पुस्तक है उसके पीछे बिल्कुल बैक कवर पर दो लाइन में एक कोट लिखा है कि लूट ले गया कोई तुम्हें और पता भी ना चला। इसी को तो बेहोशी कहते हैं। तो अगर आपने ये समस्या को नहीं समझा कि कौन साधन है, कौन साध्य है, कौन किसका उपयोग कर रहा है, कार तुम्हारा उपयोग कर रही है, तुम कार की सेवा में लगे हुए हो या कार तुम्हारी सेवा में लगी हुई है, अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो लुट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और इसी को बेहोश जिंदगी कहते हैं, इसी को कहते हैं ध्यान में नहीं जीना। ध्यान, आत्मज्ञान, बेहोशी और होश, ये कोई काल्पनिक या पारलौकिक बातें नहीं है, ये हमारे जीवन की हकीकत है। एक सही जिंदगी हो ही नहीं सकती, जिंदगी नहीं हो सकती अगर आप ध्यान में नहीं है, होश में नहीं है, बोध में नहीं है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, क्या व्यक्ति समाज का साध्य है अथवा वह मात्र एक कठपुतली है जिसको युद्ध के साधन के रूप में शिक्षित किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, खत्म कर दिया जाए? फिर सवाल खड़ा हुआ, युद्ध आपके लिए है या इसको ऐसे कहो, सैनिक के लिए युद्ध है या युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार किया जाता है, शिक्षित किया जाता है ताकि वो कटे मरे और उनका उपयोग हो जाए, ताकि ताकि युद्ध हो सके। और ये युद्ध क्यों हो रहे हैं? वही गंवार लोग बैठे हैं ना ऊपर, जिनको हमने अपनी अंधी आंखों से चुना है, वो अपनी मूर्खता करते हैं और सैनिक उनके लिए फ्यूल
का काम कर देते हैं। तो कृष्णमूर्ति पूछ रहे सवाल आपसे, देखो कृष्णमूर्ति का तो बस नाम ले रहा हूं, हर समझदार व्यक्ति आपसे पूछेगा, पर बताऊं आप बहुत घटिया इंसान है। अगर अगर आप मेरी कही बात को सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी कही बात को सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कृष्णमूर्ति ने ऐसा कहा, अष्टावक्र ने ऐसा कहा या कृष्ण ने ऐसा कहा, तो फिर आप कुछ नहीं समझे। क्योंकि ऐसे कुछ कमेंट मैंने पढ़े लोगों के, तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अब ये बात चाहे कृष्णमूर्ति ने बोली हो, पर वो बात सिर्फ कृष्णमूर्ति की नहीं है, वो हर समझदार व्यक्ति का सवाल है। अब एक तरफ कृष्णमूर्ति खुद कहते हैं किसी और को फॉलो मत करो, मगर आप ऐसे मशीन हो चुके हैं कि किसी का ठप्पा, किसी का नाम, किसी का चेहरा ना हो तो आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। इससे क्या पता चल रहा है? आप कंडीशन हो चुके हैं, संस्कारित हो चुके हैं, आप मशीन बन चुके हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि कहीं आप मशीन होकर के तो नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ स्वीकार मत कर लेना कि कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं सवाल तो कुछ बात ही होगी, नहीं, सवाल को सुनो। जो नाम है कृष्णमूर्ति या ओशो या कबीर या कृष्ण या अष्टावक्र कोई भी, उस नाम को एक तरफ रखो, बस सवाल पर ज्यादा ध्यान दो। वे कह रहे हैं ये हमारी ही नहीं विश्व की समस्या है कि क्या व्यक्ति समाज का एक साधन मात्र है, परिस्थितियों से निर्मित और संचालित एक खिलौना मात्र है, या समाज व्यक्ति के लिए ही बना है। कैसे लगाएंगे आप इसका पता? क्या यह सचमुच एक गंभीर समस्या नहीं है? यदि यदि व्यक्ति समाज का केवल एक साधन भर है तो समाज व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर यह सही है तो क्या होगा? ये बात जो है, अगर ये सही है, अगर ऐसा है कि व्यक्ति समाज का केवल एक साधन है तो समाज व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। किस प्रकार? व्यक्ति है समाज के लिए तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? समाज। व्यक्ति का तो बस उपयोग हो रहा है ताकि समाज माने सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो फिर क्या होगा? आपका इस्तेमाल होगा मशीन की तरह, वस्तु की तरह, रॉ मटेरियल की तरह। समाज में व्यवस्था है युद्ध की, तो चलो भैया आज कल से युद्ध करना है तो आपका इस्तेमाल हो जाएगा, चलो तैयार हो जाओ वापस कटने के लिए, मरने के लिए। अरे रे रे दंगे करने अपने को, दंगे तो चलो 100-200 लोग इकट्ठे हो जाओ, कल दंगा करना है, आपका इस तरह इस्तेमाल होगा। चलो 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 अपना ये जो वंश है ना इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है अपने को, चलो तो बच्चे पैदा करो, शादी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, वंश बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल होगा। चलो चलो चलो, अरे GDP क्या है? ये तो कंप्यूटर का डेटा मात्र है, तो चलो अपने को अपनी GDP ऊपर बढ़ानी है, तो चलो ऐसा करो वैसा करो, ये बनाओ वो बनाओ, ये प्रोडक्शन करो, इसको भोगो। महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? समाज व्यवस्था। धर्म अगर महत्वपूर्ण है और व्यक्ति नहीं, धर्म माने जो धार्मिक कर्मकांड चलते हैं धर्म के नाम पर, वह अगर महत्वपूर्ण है तो उनकी खातिर इंसान इंसान को मारेगा, और यह हम समाज में देख रहे हैं। क्योंकि हम समझते ही नहीं कि महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्ति या समाज। हम नहीं समझते कि व्यवस्था महत्वपूर्ण है या व्यवस्था को बनाने वाला। आपका दुख, दर्द, चिंता, तनाव, बेचैनी, खालीपन, आपके जीवन की सारी समस्याएं, समाज की, देश की, दुनिया की सारी समस्याएं इस सवाल से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहीं से यह तय होगा कि फिर आप कैसे जिएंगे, कैसे अपनी जिंदगी में फिर आप निर्णय लेते हैं। फिर समाज और उसकी व्यवस्था चाहेगी कि आप दंगे में कूद पड़ो और जल मरो, और आप ये तय करेंगे कि आपको कूदना है उसमें या नहीं। अगर समाज के लिए आप हैं तो आपको कूदना पड़ेगा मजबूरन,
और यदि आपको यह स्पष्ट है कि मैं सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं हूं, व्यवस्था मेरे लिए है, तो दंगे में नहीं कूदने के कारण अगर व्यवस्था टूटती है, बर्बाद होती है, तो भी आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि व्यवस्था के लिए आप नहीं है, व्यवस्था आपके लिए है। कोई संगठन टूटता है, नष्ट होता है, हो जाए, मिट जाए, संगठन के लिए थोड़े ना है हम, हमारे लिए संगठन है। अगर संगठन इंसान को नष्ट कर रहा है, इंसान को अगर अंदर से गुलाम बना रहा है, इंसान को अगर अंदर से निर्जीव कर रहा है, इंसान को अगर कठपुतली समझता है वह संगठन, वह व्यवस्था, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको होना ही नहीं चाहिए। नष्ट करो उसको, तोड़ डालो उसको, बर्बाद कर दो उसको, वो नहीं है किसी काम का। क्योंकि जब इंसान नष्ट होता है तो इंसान को दुख होता है, संगठन को दुख नहीं होता, व्यवस्था को दुख नहीं होता। संगठन, व्यवस्था, संप्रदाय, जाति, धर्म और वंश, राष्ट्रीयता, इन सबको मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति व्यक्ति को चाहिए। व्यक्ति को कार का इस्तेमाल होगा मगर कार को दुख नहीं होगा, आपका इस्तेमाल होगा तो आपको दुख होगा। वे कहते हैं, कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, तो समाज का कार्य व्यक्ति को किसी सांचे के अनुरूप बनाना नहीं, बल्कि व्यक्ति में मुक्ति का एहसास और प्रेरणा भरना है। अगर जो हमने सामाजिक व्यवस्था बनाई वह व्यक्ति के लिए है, तो उस व्यवस्था, वो जो व्यवस्था है, उसका काम यह नहीं होना चाहिए कि वो इंसान को एक सांचे में ढाल दे। उस व्यवस्था का काम यह होना चाहिए कि वो व्यक्ति में, है ना, अपने, अब कृष्णमूर्ति ने दुख शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर मैं कह रहा हूं कि अपने दुख, अपने बंधन, अपनी बेचैनी से मुक्ति, मुक्त होने का एहसास और प्रेरणा भरे, ये काम होना चाहिए उस व्यवस्था का। कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति दुख को, बंधन को, बेड़ियों को, बेचैनी को अपने जीवन का हिस्सा समझ ले। हमने वो उस दिन फिल्म पर बात की थी और कहा था ना, आपको बताया था कि दुख जीवन का हिस्सा नहीं है, वो हमारी ही मूर्खताओं का परिणाम है, मगर हम अपनी मूर्खताओं को भूल जाते हैं, अपनी गलतियों को भूल जाते हैं और दुख को जीवन का हिस्सा समझकर उसको झेलते जाते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था यदि व्यक्ति के लिए है, तो उसका काम क्या है, क्या होना चाहिए, कि वह व्यक्ति को मुक्ति के लिए प्रेरित करे। अब वापस देखिए, झांकिए जीवन में, समाज को देखिए, क्या ऐसा हो रहा है कि जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई दे रहा है समाज में, अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, काम में, दफ्तर में, शिक्षा में, क्या वह सब कुछ इंसान के लिए है? क्या वह इंसान को मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है, या इंसान उन सब के लिए साधन हो गया है? किसके लिए है? क्या समाज के लिए व्यक्ति, या व्यक्ति के लिए समाज? जैसे कहते हैं कि हमें यह पता लगाना होगा कि इनमें से कौन सी बात गलत है, हमें यह समझना होगा। और ये जो सवाल है, ये जो समस्या है, ये किसी धर्म या किसी जाति या किसी देश के नहीं है, ये हर व्यक्ति की समस्या है, ये आपकी समस्या है, ये मेरी समस्या है। अब इन सवालों पर इस तरह मत देखिए कि औरों ने इसके बारे में क्या कहा है, आप खुद इस सवाल को देखिए और अपने आप से शुरू कीजिए, देखिए कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, या आप वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी है, क्या शिक्षा उसके काम आ रही है, नौकरी उसके काम आ रही है, वो काम, वो धंधा जो वो करता है, वो उसके काम आ रहा है, या विद्यार्थी को तैयार किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, ताकि वो
जाकर किसी कंपनी को आगे बढ़ा सके और उस कंपनी का धंधा चलता रहे। और उसके बदले जैसे कार में आप फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, कुछ भी, उसी तरह इस विद्यार्थी को जो कि अब एक कर्मचारी हो गया है, इसको कुछ पैसा दे दिया जाता है फ्यूल की तरह, ताकि मशीन ठीक ठाक रहे, काम करने लायक और चलती रहे। आपको यह समझना होगा, यही है गुलामी और कुछ नहीं। आपको अगर बात स्पष्ट हो गई तो आप गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। और इसके लिए आपको किसी और को कम देखना है, स्वयं को ज्यादा देखना है कि मेरे साथ क्या घट रहा है। रिमोट मेरे हाथ में है, माने मैं ये तय कर रहा हूं क्या कि टीवी में कौन सा चैनल चलेगा, कौन सा प्रोग्राम चलेगा, या उस प्रोग्राम ने मुझे पकड़ लिया है कि मैं उसे देखूं, बजाय इसके कि रिमोट मेरे हाथ में। हो सकता है रिमोट आपके हाथ में हो। सबसे बड़ा गुलाम तो वो है जो टीवी को अपने हाथ में पकड़ ले और बोले कि देखो टीवी मेरे पास है। और किससे कह रहा है वो? उससे जिसके हाथ में रिमोट है। क्या करेगा, टीवी लेकर बैठा हुआ है, अब ये मत कहना फोड़ देगा। टीवी उसके हाथ में, पर टीवी में कौन सा चैनल चलेगा ये तो वो तय करेगा जिसके हाथ में रिमोट है। मगर मानसिक गुलामी हमारी, ये मत समझ लेना कि रिमोट आपके हाथ में है तो आप तय कर रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम चलेगा, कौन सा चैनल आप देखेंगे। 10 चैनल आपके सामने आए, हो सकता है उस चैनल ने ये निर्णय किया हो, माने उसने आपको मजबूर किया हो कि आप उसको देखें। तो कौन किसके लिए है, ये आपको समझना है, अपने जीवन में समझना है। इन सवालों पर ध्यान दो, थोड़ा इन पर विचार करो। इस बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आगे समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कौन किसके लिए है और कौन किसके लिए होना चाहिए। इस चर्चा के अगले हिस्से में हम और आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।